गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइस, रात को है ना, मैंने व्लॉग एडिटिंग वगैरह सभी कंप्लीट कर दिया, तो रात को अपलोडिंग करके बस सो ही गया था। सुबह उठते में देखा तो व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं, पता नहीं यार नेटवर्क इशू आया या क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था, ड्राफ्ट बन गया था। तो सुबह फटाफट से मैंने उसको अपलोड कर दिया था। तो दुकान आते आते मैं अपलोड कर रहा था, तो नेटवर्क कभी कभी लैग हो सकता था, इसलिए मैं ना तब व्लॉग नहीं किया था। तो बहुत देर से स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज सुबह जल्दी उठा था और फटाफट से रेडी भी हो गया था, दुकान पे भी आ गया था। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और अभी जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी अभी पापा का कॉल आया था, तो पहले मैं घर पे चल के पापा को लेके आता हूँ। सामान तो लेके आ गए और घर पर बैठ के मम्मी सामने है, आपका कूटने का सामान, मैं टेफ्लॉन टेप भी है अंदर, ये गिरा दिया मेरे हेलमेट। हाँ, थोड़ी देर पापा का वेटिंग करते हैं, जैसे ही पापा की इधर डिस्कशन ख़त्म होता है उसके बाद में हम चलते हैं दुकान पे। पता नहीं पापा कब आएंगे, चलो हाँ अभी के तो पापा कब चलते हैं। और पापा तो वापस से दुकान पे आ चुके थे, पापा तो फिलहाल बस पूजा कर रहे हैं, तो जो भी करते हैं ना वो पूजा कर रहे हैं, और मैं और भैया बस कस्टमर करने लिए। आज भी मैं दूध का पैकेट लेके आया हूँ जो कि ये है अमूल का। तो फिलहाल अब चलता हूँ और मस्त बिल्लियों को दूध डालता हूँ। दूध डालने में ना एक अंदर से कले की खुशी हो जाती है, दिख रही है आपको, दिख रही है मुझे ही देख रही है, लेकिन दूध डालने आया हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने इधर दूध दो डाल दिए, 3 कंटेनर में दूध रखे आज मैंने, ताकि सब लोग अलग अलग पी सके। तो फिलहाल मैं छुप जाता हूँ ताकि आराम से पी सके। हाय, तो गाइस बहुत ही प्यारी बच्ची है, आराम से बैठ के दूध पी रही है। देखिए आज का दूध उनको मैंने पिला दिया है, बोलते उनका डाल दिया है, वो मस्त आराम से पी रहे हैं। तो मैं वापस से चलता हूँ नीचे बाहर, ताकि वो आराम से पी सके। उनकी मम्मी है ना डर जा रही है, जब भी मैं उनके एरिया में रहता हूँ तो उनकी मम्मी बहुत ही डर जा रही है, क्योंकि बच्चे तो आराम से पी रही है, बाकी उनकी मम्मी बहुत ही डर जा रही है। इसलिए मैं नीचे आ गया और उनका अकेला छोड़ दिया था, पूरा दूध ख़त्म कर देंगे। फिलहाल दोपहर की टाइम हो चुकी है, तो मैं चलता हूँ घर पर, जो लंच बॉक्स भी लेके आना है और मुझे लंच भी करना है, तो फटाफट चलते हैं अभी घर पर एक्टिवा लेके। तो अभी घर पे तो पहुंच चुकी है गाइस, तो चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया आज लंच में। ऊपर था जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत शोर लग आज है ना, बहुत सारे लोग आए थे ऊपर काम करने के लिए, इसलिए आज साउंड भी आ रहा है, काम करते हुए टक 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 आवाज़ आ रही है। मम्मी से सोए सोए और दीदी अपनी रोटी बना रही है मस्त। गाइस आज की सब्जी में है मस्त भिंडी की सब्जी है, और ये भी एक सब्जी है हल्दी की, और हमारी रोटी मस्त, दो रोटी ले लेते अपन, तो अपनी दो रोटी तो आ चुकी है, तो बस सब्जी लेते, बस फटाफट सब करते भिंडी और रोटी का लंच। लंच वगैरह हो चुका है, तो बस अच्छे से फ्रेश वाश कर लिया, एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है अभी। फिलहाल मम्मी तो अभी बस दिशा दीदी के ससुराल में बात कर रही है, थोड़े बहुत जो भी उनका टॉकिंग चलते रहता है उनका, तो बस मैं चलता हूँ दुकान पे। गाड़ी की चाबी कहाँ पर रखी थी, पड़ी अपनी चाबी, चाबी आ गई बटे ले आ गई। बाय मम्मी, मैं जा रही हूँ, बाय। तो पीछे हैं आंटी से बात कर रही थी, मैं तो बस निकल गया, भैया का टिफिन लिया, पापा का तो नहीं लिया ना, कि शायद पापा का भी डाल दिया है, पता नहीं मुझे भी एग्जैक्टली। तो फिलहाल अभी चलते हैं दुकान पे, और 90% है गाइस या तो पापा का डाल दिया नहीं तो नहीं डाला। अभी लंच करने के लिए जा रहे हैं पीछे, अभी शाम की टाइम हो चुकी है। तो गाइस आज सुबह से मुझे कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा आज कुछ बनाने का, तो सोचते ही जा रहा हूँ कुछ भी कंटेंट नहीं है गाइस आज तो। आज तो वेरी रियली सॉरी, पर भी पूरा पानी चले गया, एक्चुअली क्या है आज पानी आया तो टैंक भरने चक्कर में पूरा पानी पानी हो गया बाहर की तरफ, तो बिल्ली अभी बाहर नहीं आ रही, अंदर ही है, तो उनसे अभी कुछ खेल नहीं पा रहा हूँ मैं, तो उनसे तो अभी खेलते रहे, उनको पकड़ता था, बोलते ऐसा खींचे था नहीं, बस वो अगर एक ही जगह पर रुकते तो पकड़ता था, नहीं तो उनको दौड़ाना अच्छी बात नहीं है, तो उनको मैं दौड़ाता नहीं हूँ। तो बस आज तो कुछ मिला ही नहीं कंटेंट, बस मैंने सोचा बिल्ली को भी परेशान क्यों करूँ, बल्कि छोड़ दिया।
भैया तो पीछे बस अपने फोन में लगे। सर मैं सोच रहा हूँ एक दो दिनों में ना पापा को पूछ के मस्त कार सीखने को जाएंगे सुबह, क्योंकि अब भैया तो आ चुके तो हम दुकान पे लेट भी जाएंगे ना, तो भी इतना कुछ करा नहीं, तो भैया आराम से संभाल लेंगे ना अभी तो मस्त। पापा को बोलूँगा पापा दो तीन दिन से ना मेरे को कार सिखाओ ना, मैं आराम से कार सीखूँगा। पापा तो आ चुके दुकान पे, तो अब पापा को पूछेंगे कि पापा मम्मी ने लड्डू बनाया है या फिर नहीं बनाया। फिर मम्मी तो बोल रही थी आज बना दूंगी, बल्कि जब दोपहर को गया था ना तब तो कुछ भी रेडी किया सुनाई था, तो शायद शाम को रेडी किया और शाम को बना दिया। तो एक बार पापा को पूछते हैं, मम्मी ने लाडू बना दिए? बना लिए, बहुत फटाफट बनाए। मैं जब दोपहर को गया ना तब तो मम्मी ने कुछ भी काम नहीं किया था, शाम को पूरा काम कर दिया, बहुत जल्दी कर लिया मम्मी ने। तो मैं जब 4 बजे गया था तो 4-5-6 घंटे में पूरा काम हो गया। तो किसके लिए? आपके लिए और मम्मी के लिए और नानी के लिए, तीनों के लिए बनाए है ना? नहीं मेरे लिए नहीं बनाए, क्यों? मुझे पसंद नहीं है वो लाडू। वो लाडू एक्चुअली ठंडियों के सीजन में बनाए जाते हैं, तो वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है। कभी कभार ही खाता हूँ, मैं जब स्कूल में जाता था तब मम्मी भेजती थी, बाकी अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को। क्यों? आटे से बनाते हैं वो, एक्चुअली वो खाना अच्छा रहता है बिल्कुल, बोलते हैं कि सर्दियों में वो खाए तो ताकत आती है बिल्कुल, लेकिन वो तो कभी भी मम्मी में से या पापा में से कभी ना कभी हम खा लेंगे उसमें क्या, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बनाते हैं। बोलते जिसको जैसा फ्लेवर जैसा पसंद है उसको वैसा फ्लेवर बनाते हैं। बोलते फ्लेवर बोलते ऑरेंज ऐसा नहीं, फ्लेवर फ्लेवर बोलते किसी के अंदर बादाम या किसी के अंदर काजू, किसी के अंदर गूंद गूंद मालूम है आपको, एक ऐसा घट्ट जैसा आता है जो एकदम गीला गीला, वो तो मुंह के अंदर होते एकदम गीला गीला हो जाता है, वो चिपक जाता है पूरा अपने जीभ को वगैरह को, तो वो भी डालते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सुखा के उसको कड़क होने के वो उसको पीस के डालते हैं वो, तो वो वाला लड्डू मुझे पसंद नहीं है। और एकदम सिंपल आटा और गूंद और घी बस तीनों को मिक्स करके बनाते हैं मेरे लड्डू। तो इस बार मैंने बनवाया नहीं, कभी अगर मन करेगा तो पापा या मम्मी वाले मेरे से खा लेंगे, उसमें क्या है। नानी के लिए भी यही पे बनाए, वो कैसा बनाए है वो तो अभी घर पे जाके पता चलेगा। तो बस सीधा गाइस अभी चलते हम घर पे और उधर ही मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस घर पे तो पहुँच चुके थे और लड्डू वगैरह सारे बन चुके गए। मम्मी तो थक चुकी है क्योंकि मम्मी बहुत ही थक गई थी, पापा तो थोड़ी देर पहले आए थे, मैं अभी आया हूँ। मम्मी तो बहुत ही थक चुकी थी और मम्मी को है ना बहुत ही बॉडी पेन भी होने लगे थे, इसलिए मम्मी सो गई थी। मम्मी को सोने देते तो कल करेंगे, बस कल पूछेंगे सुबह सुबह कि मम्मी किस टाइप्स के लड्डू बनाए और किस किस के लिए लगे हैं। मेरे लिए और दीदी के लिए शायद नहीं बनाए होंगे, बाकी तीनों के लिए बनाए होंगे, नानी मम्मी पापा और भैया तो कौन से भी खा लेता है, तो भैया का कोई बात नहीं। तो फिलहाल मैं वापस चलता हूँ अंदर और पहले फ्रेश अप वगैरह होता हूँ, उसके बाद में डिनर करें। तो वैसे फ्रेश अप वगैरह हो गए तो फटाक से करते हैं अभी डिनर। वैसे अभी डिनर वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो गया है। फिलहाल दीदी जो है बाहर अपने बर्तन धो रही है और मम्मी तो सो गए थे और पापा भी सो गए गए अभी तक। तो फिलहाल अब मैं भी सो ही जाता हूँ। उससे पहले अपने को व्लॉग एडिटिंग करना है ना, तो उसको प्रॉपर से भी एडिटिंग करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगी क्योंकि आज कुछ कंटिन्यू नहीं मिला गया, तो ज़्यादा देर तो नहीं लगी, तो प्रॉपर से मैं ना व्लॉग को एडिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में ही करेंगे। एडिटिंग थोड़ी बहुत कंप्लीट की है, बाकी कल से भी कर लेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग एंड करता हूँ और अभी सो जाता हूँ। थोड़ी बहुत एडिटिंग जो बची है उसको कल से भी कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय। बहुत ही नींद आ रही है गाइस, बाय बाय।